शास्त्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीप बदनाम बड़बोला और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने प्यारे शो में बिंदास बकबक शो में। और आज हमारे शो में प्रकट होने जा रहे हैं बाबा रास रंगीला। ओ बाबा रास रंगीला, ओ बाबा जय जमीला, ओ बाबा रास रंगीला, ओ बाबा जय जमीला, बाबा रास रंगीला जी, ओ बाबा जय जमीला। बोल बच्चा बोल। नमस्कार बाबा जी, नमस्कार। नमस्कार 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 बच्चा, नमस्कार। अच्छा अच्छा, पर ये आपकी एंट्री तो बड़ी जबरदस्त हुई, आप प्रकट हो गए, पर ये डांस बच्चा हम ही जबरदस्त, पर ये डांस और ये रिदम ये क्या है? ये हमारे भक्तजन जो भजन गाते हैं वो हमारे अंतर मन में घुसता है बच्चा, अंतर मन में घुसता है, अंतर मन में घुसता है, घुसता है, घुसता है। मतलब ये घुसता क्या है? जला के भस्म कर दूंगा बच्चा, गुस्सा मत दिला बाबा जी। ये हमारे भक्तजन कहीं भी हो, अच्छा, वह यह भजन गा के आनंद की प्राप्ति करते हैं बच्चा। ये भजन आपका गा के आपके भक्त आपके अनुयायी आनंद की प्राप्ति करते हैं। एकदम बच्चा, आनंद की प्राप्ति करते हैं वो, और वो हमको अंतर मन में स्माइल देता है बच्चा। अच्छा, ये अंतर मन में आपको सुनाई देता है इसलिए आप ये भजन गाते हो। हाँ बच्चा, बड़े चमत्कारी और अद्भुत बाबा जी है जो खुद के ही नाम का भजन खुद ही गाते हैं। ये है हमारे, हम गाते नहीं है, हमको सुनाई देता है बच्चा। उस भजन पे हम झूमते हैं, उस भजन पे, उस भजन पे झूमते हैं बच्चा। तुम हमारा मजाक मत उड़ाओ वरना जला के भस्म कर देंगे तुमको, राख भी नहीं मिलेगी। जला के भस्म करोगे और राख भी नहीं मिलेगी हमारी, वो भी हम फूंक के उड़ा देंगे। बड़े ही डेंजर बाबा जी। तो बाबा जी मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द प्रयोग में निकल गए होंगे तो। हाँ, पर हमने यहाँ पे आपको बुलाया है हमारे दर्शकों से और हमसे गुफ्तगू करने के लिए। गुफ्तगू? ये गंदे गंदे वर्ड्स यूज क्यों कर रहे हो बच्चा? ये गंदा शब्द नहीं है, ये गू 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 है क्या, है क्या, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? अरे बाबा जी, ये गुफ्तगू है, गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत। अच्छा, इंटरव्यू, वार्तालाप, वार्तालाप। अच्छा, वार्तालाप, वार्तालाप। वो थोड़ी हमारी, अभी जमाना बदल गया है और इंग्लिश के शब्द भी यूज किए जाते हैं, तो उस वजह से हमारी ये गलती है। हम पब्लिक से और दर्शकों से और आपसे भी माफी मांगना चाहेंगे कि वार्तालाप ये शब्द हम नहीं पकड़ पाए, पर फिर भी कुछ नहीं, हम अपना गुफ्तगू जारी रखेंगे। चलिए, तो बाबा जी आप तो संसार से, पूरे संसार से आपका मोह, आपने संसार से मोह छोड़ दिया है, पूरे संसार को त्याग दिया है। हाँ, फिर भी आपका आलिशान आश्रम है, फिर भी आपकी कम से कम 10,000 करोड़ का धंधा चल रहा है, प्रॉपर्टीज है। हाँ, ये मोह क्यों बच्चा? हम दूसरे बाबाओं के जैसा संसार से मोह छोड़ के और संसार से दूर जाके काम नहीं करते बच्चा। अच्छा, हम संसार में रह के उनकी तकलीफ जान के उस तकलीफ का निवारण करते हैं बच्चा। अच्छा, इसीलिए आपको प्यार करने वाले बाबा, प्यार बांटने वाले बाबा, बाबा रास रंगीला बोलते हैं। यस, एक्चुअली मैंने तो सुना है कि आप अपने भक्तों से ज्यादा, जो जेंट्स भक्त रहते हैं उनसे ज्यादा आपकी जो फीमेल भक्तिनिया रहती है, हाँ, उनके तरफ आप ज्यादा ध्यान देते हो, उनके तरफ आप ज्यादा प्यार करते हो। सब हमारे भक्तजन है बच्चा, सबकी मोह माया है। अच्छा, मतलब ये आपके ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो गलत है, ऐसा आप बोल रहे हैं? एकदम सही बच्चा। अरे लेकिन हमारे पास कुछ तस्वीरें भी आए हैं, कुछ एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ। बच्चा वैसे देखे तो चांद में भी तो दाग है बच्चा। अच्छा, मतलब ताजमहल भी तो आजकल काला पड़ रहा है बच्चा। अच्छा, मतलब आप ये कबूल कर रहे हैं कि आपके इसमें भी दाग है करके? नहीं बच्चा,
हमारे चरित्र में कोई दाग नहीं है बच्चा। तो ये जो बातें चलती रहती है मीडिया में और सब जगह पे, हाँ तो ये आती क्यों है बाहर? आपने अगर कुछ किया नहीं है तो बच्चा वो सब उछाला जाता है, वो सब उछाला जाता है, वो सब उछाला जाता है, उनके सब पैसे कमाने के धंधे है वो सब। और आप जो पैसे कमा रहे हो 10,000 करोड़ रुपया, उसका क्या? वो तो हम अपने भक्तजन के लिए कमा रहे हैं, भक्तजन। और ये हम कमा नहीं रहे हैं, ये हम उन्हीं को वापस दे रहे हैं पैसे। कैसे वापस दोगे पैसे? पैसे हम वापस देंगे। कैसे देंगे? हम बताएंगे आपको, उसके बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे आपको। बताओगे कब? बताएंगे बताएंगे, तुम टेंशन मत लो। पिछले पांच सालों से आपके पीछे यही पूछ रही है मीडिया, हाँ, पर आप तो अपने से लेके आप सॉरी कोलगेट नहीं टूथपेस्ट जो भी आप अपने जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसके धंधे करने में लगे हुए हैं और दुनिया के सामने फिर ये नाटक क्यों? अच्छा, हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं, हाँ, हमारा एक ही प्रोडक्ट नहीं है बच्चा। हाँ, वो तो बहुत 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 ढेर सारे प्रोजेक्ट है बच्चा, बहुत प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब मैं ये समझू कि बाबा बहुत ही टैलेंटेड है, बाबा बाबा ना होते हुए एक बिजनेसमैन भी है। नहीं बच्चा, बाबा हीरो भी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचते हैं बच्चा, आयुर्वेदिक, जिससे किसी की त्वचा को किसी को कोई तकलीफ ना हो बच्चा, बस उनकी जेब हल्की हो जाए। नहीं बच्चा, अभी उस आप सोचिए कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा आता है? अभी वो तो आपको पता, आप बिजनेस अभी हो। वो एक कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, जैसे आपके ये यहाँ पे एक कप है, हाँ बराबर, ये कप है, ये कप जिसने बनाया रहेगा उसने इसका डिजाइन बनाया रहेगा बच्चा, उसके बाद उसने मशीन खरीदी रहेगी बच्चा, उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए उसने आदमियां हायर किए रहेंगे, वो सब पूरा खर्चा होता है बच्चा। अच्छा अच्छा बाबा जी, हम ये बिजनेस का आपका ज्ञान है ना लेंगे, पर ये आपने ये कौन सी वाली अंगूठी है, खिल्ले वाली अंगूठी, ये कौन सी वाली? इस अंगूठी को हाथ मत लगा। ओह नो, यह बहुत ही चमत्कारी अंगूठी है बच्चा। अच्छा मतलब आपके जो जादू, ये प्रकट होने वाला जादू और बाकी के जो कारनामे करते हो आप जादूगर के, सब इस अंगूठी की मोह माया है बच्चा। अच्छा आपकी कुछ भी मोह माया नहीं है? अरे वो अंगूठी तो हमने ही पहनी है बच्चा, तो माया तो हमारी ही है। और हमने एक्चुअली एक मैं और एक बात आपको पूछना चाहूंगा बीच में ही, बाकी की बातें हमारी चालू रहेंगी गुफ्तगु। एक ही बात आपको पूछना चाहूंगा, हमने बहुत जनों से सुना है कि आप भगवान के जगह पे एक बड़ा शैतान और एक छोटा शैतान पूछते हैं। बच्चा सबकी सबकी सोच है, आपको जो पसंद है उसकी आप पूजा करते हैं, हमारे भक्तजन को हम पसंद है वो हमारी पूजा करते हैं, और आप हमको जो पसंद है हम उनकी पूजा करते हैं। बाबा चल चबीला, ये बातचीत के बीच बीच में बाबा जी के दौरे आ रहे हैं। बाबा चल चबीला, बाबा रंगीला, बाबा जी अब ब्रेक 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 ब्रेक। वेलकम बैक टू बिंदास बकबक शो। बाबा को, बाबा जी, अरे ओ बाबा जी, ब्रेक खत्म हो गया बाबा जी, एक घंटा रुका है आपको शांत करने के लिए, एक घंटा लग गया हमको। बोल बच्चा बोल। भगवान का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, बाबा जी जाग गए, एक घंटे से सोए पड़े थे, ब्रेक हमने एक घंटे का लिए लिया इनके चक्कर में। प्रोड्यूसर हमको लकड़ी लेके मारने के लिए आने वाला है अभी, यही फोन पे बात ध्यान में थे बच्चा। अच्छा अच्छा सॉरी, तो हम हमारी गुफ्तगु आगे बढ़ाते हैं। हमारे बच्चा तेरी गुफ्तगू आगे बढ़ाने के पहले मैं तुझे कुछ भेंट देना चाहता हूँ। मुझे कुछ भेंट देना चाहते हो? ये ले बच्चा, ये कैसा चमत्कार है बाबा? ये बाबा का चमत्कार है बच्चा। इस फूल को मैं करूँ क्या? ये आप अपने पास रखिए बच्चा। अपने पास कहाँ पे रखूँ मैं इसको? ये आप अपने पास कहाँ पे रखेंगे बच्चा? मैं मेरे जेब में रखूंगा, अच्छा दिखेगा एकदम बच्चा। लेकिन इसका उपयोग क्या है, इससे मुझको क्या पावर मिलेगी, क्या होगा? वो फूल कभी मुरझाएगा नहीं बच्चा। वाह बाबा जी वाह। पर बाबा जी आपने मुझको और दर्शकों को कहा था कि आपके हाथ के यहाँ पे कुछ अंगूठी थी, उसके उसमें पावर थी, फिर भी आपने आज ये अंगूठी के बिना चमत्कार किया बच्चा। वो अंगूठी में निकल गया।
मतलब सब पावर आपके अंदर समा गई एकदम बच्चा। अच्छा तो वो मेटल की जो अंगूठी थी, जो मेटल रहता है, वो भी आप खा लेते हो, पचा लेते हो? सब कुछ पचा लेता हूँ बच्चा मैं। बहुत ही अद्भुत बाबा जी है ये, अभी आपने उनका चमत्कार देखा होगा, मुझको ये फूल दिया। डीओपी भाई साहब ये फूल आपको रख दो। तो बाबा जी हम अपनी गुफ्तगु आगे तक जारी रखेंगे। हाँ बोलो बच्चा। ये आपके जो माथे के ऊपर एक्चुअली सुबह को डिजाइन थी, आप जब स्टूडियो में प्रकट हुए तब अलग थी, अभी अलग हो गई। बच्चा वो हमारी मस्तक की रेखा है। अच्छा मतलब ये मस्तक जो हर कुछ समय बाद बदलती रहती है बच्चा। आपका हर कुछ हर समय में थोड़े थोड़े टाइम बाद बदलते रहता है। सही बच्चा। बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका ये जो नाम है बाबा रास रंगीला, हाँ बच्चा, ये नाम आपने कैसे धारण किया है? ये नाम क्योंकि एक्चुअली नॉर्मल पब्लिक में दिखाई नहीं देता है, ये नाम आपको जो पड़ा, आप इस नाम की वजह से फेमस हुए, ये नाम आपको आपने धारण कैसे किया? बच्चा कुछ समय पहले की बात है, नवरात्रि का समय था। अच्छा नवरात्रि, नवरात्रि का समय था, हर जगह गरबा का रास चल रहा था। अच्छा हम भी सोचे कि जाके गरबा का रास करते हैं और थोड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। अच्छा हम गरबा का रास करने गए। अच्छा वहाँ पर लड़कियों को और भाभियों को देखकर हम बड़े आनंद को प्राप्त कर रहे थे। अच्छा बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे थे बच्चा, बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे थे। फिर अचानक क्या पब्लिक के दिमाग में आया बच्चा समझा नहीं मेरे को, और उन्होंने मेरे को जो मारा बच्चा, जो मारा, इधर लाल इधर पीला काला नीला, पूरा मेरे ऊपर होली के कलर ही लग गए थे ऐसा लग रहा था मेरे को बच्चा। अच्छा मतलब इस वजह से आपका नाम बाबा रास रंगीला गिरा। अब वो रास हम खेलने गए थे तो वो रास रख लिया उन्होंने और रंगीला मेरे को कर दिया और मेरा नाम बन गया बाबा रास रंगीला बच्चा। तो ये भी आपके अद्भुत चमत्कारों में ही इसकी गिनती होती है? एकदम बच्चा, क्या करें, ये चमत्कार ही है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ बिंदास बकबक शो में। नमस्कार बच्चों, नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो दी बिंदास बकबक शो में। या आपके होस्ट और दोस्त जिनका नाम है दीप बदनाम बड़बोला। नाम और स्वभाव इनका बड़ा मैच करता है बच्चा, इसके लिए हमने इस साले के सर से बाली गायब कर दी है। ब्रेक में हमने इनको चमत्कार ही दिखा दिया है। बड़ा बड़बड़ कर रहे थे बच्चा, घूंघट से चेहरा तो हटाओ, अपने दर्शकों को दिखाओ तो चेहरा अपना। देखिए क्या दुल्हन निकली है घूंघट से, क्या बच्चा कैसा लग रहा है? मैं दर्शकों से अलविदा कहना चाहूंगा, ये बाबा शैतानी बाबा साले ने मेरे सर के बाल खा लिया, मालूम नहीं ये मेरे कपड़े भी गायब कर देगा, नंगा जाना पड़ेगा मेरे को घर तक। भाई बंद कर दे कैमरामैन, कट। बच्चा हमारा क्वार्टर किधर है? लेकिन आपने कहा था हमको क्वार्टर भी लाएंगे। अरे भाई बंद कर दे,